इनको बोलो लिंक भेजे। यस, गुड इवनिंग बेटा सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हैं हमारे बच्चे? बिट्टू कैसे हो? कुसुम, हेमा कैसे हैं आप सभी? तो आज सभी के लिए खुशखबरी आ गया बेटा, डीएसएसबी पीजीटी कॉमर्स का रिजल्ट। तो डीएसएसबी पीजीटी कॉमर्स का रिजल्ट मेरे बच्चे, आ गया। और आप सभी को पता ही है कि मैं लाइव किस लिए हुआ। तो मेरे बच्चे, पीजीटी कॉमर्स के अंदर जो अभी तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया, जिसमें दो बच्चों का सिलेक्शन कंफर्म हो चुका है और जो कट ऑफ आया वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो डिस्कस करूंगा। तो बताओ आप सभी को खुशी हुई या नहीं हुई? अभी बेटा सिर्फ मेल का रिजल्ट आया, अभी बताते हैं मेरे बच्चे, अभी बताते हैं, टेंशन ना लो। अभी आया मेल का कट ऑफ। तो अन्नू शर्मा जी कितना कट ऑफ रखें कि आपका भी सिलेक्शन हो जाए, बताओ। तो बच्चे जैसा कि मैं आपको बताऊं, इस पे कट ऑफ लगा हुआ है ना अंदर, तो देखना मेरे बच्चे, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना है कि जो अभी आप जरा देखिएगा बच्चे, ये पीडीएफ है क्या है? देखिएगा बेटे, आप सभी ने देखा कि जो मेल की वैकेंसी थी इसके अंदर, बेटा जो मेल का वैकेंसी था उसमें जनरल वालों का 27 सीट था, ओबीसी वालों का 16 सीट था, एससी वाले का 10 था, एसटी वाले का 6 था और ओएच का 2 था, ये दो दो सीट थे। तो मेरे बच्चे, तो देखिएगा जो कट ऑफ डिसाइड हुआ है वो मैं आपको बताऊं। इसमें जो कट ऑफ है जी, बस फीमेल का भी रिजल्ट आने वाला है मेरे बच्चे, फीमेल का भी रिजल्ट आने वाला है। देखिए मेल का जो कट ऑफ रहा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 140.14, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 148, मतलब जनरल वालों का 148 और ओबीसी का 123, एससी का 123.53, एसटी का 90, ओएच का 106 और वीएच का 104। बेटा फीमेल का रिजल्ट, नताशा फीमेल का भी रिजल्ट बहुत जल्द मैं आपको दूंगा, बहुत जल्द आप आने वाला है, उसका भी इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसमें भी सिलेक्शन होगा। तो देखिएगा बेटे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा इस बार, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व में सिर्फ 8 मार्क्स का अप्रॉक्सीमेटली डिफरेंस है। इसमें मेरे बच्चे 20 मार्क्स का डिफरेंस है ओबीसी के अंदर। न्यू वैकेंसी भी आने वाली है मेरे बच्चे। बेटे ज्योति, इकोनॉमिक्स का भी रिजल्ट आने वाला है, सभी रिजल्ट आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, सभी रिजल्ट आ जाएंगे। फिलहाल आप सभी को एक खुशखबरी देनी है कि जो बच्चा हमारा मेल कैंडिडेट था उसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो फाइनल सिलेक्शन का इन्फॉर्मेशन है मेरे बच्चे, इसमें दो बच्चे हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं पीजीटी के अंदर, पीजीटी कॉमर्स के अंदर दो बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। और वो बच्चा है मेरा, क्या है, अरे यार कहाँ से होगा, बच्चे का रिजल्ट का है? अच्छा ये है, एक ही साथ मर्ज कर दिया क्या? अच्छा तो ये रिजल्ट है मेरे बच्चे। एक हमारे पास है जुनैद अहमद खान, जुनैद अहमद खान है जिनका सिलेक्शन हो चुका है मेरे बच्चे, जिनका सिलेक्शन, जुनैद अहमद खान का सिलेक्शन हो चुका है। दूसरा वाला का है, इनका सिलेक्शन हो चुका है,
एक दूसरा बच्चा है मेरे बच्चे, अमित कुमार गुप्ता, अमित कुमार गुप्ता, इनका भी सिलेक्शन हो चुका है। तो जैसा देख रहे हैं, देख पा रहे हैं मेरे बच्चे कि आपके पास जो है, जो अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, इसके अंदर मैं बात करूं, बिल्कुल मिलेगा संजय शर्मा जी, पेड कोर्स भी होते हैं उसके लिए। आप स्क्रीन पे जो नंबर है, नंबर कहाँ गया है स्क्रीन का, जो स्क्रीन पे नंबर है, स्क्रीन का नंबर तो दिखा, अच्छा जो स्क्रीन पे नंबर है इस पे आप संपर्क कर लें। तो देखिएगा मेरे बच्चे, मैंने आप सभी को बताया था कि वो हर कोर्स में सिलेक्शन कंफर्म है, चाहे सर अपना रिस्पांस मिलता है क्या DSSB से। अतुल आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा आपका क्वेश्चन, रिस्पांस मिलता है क्या। तो देखिएगा बेटे, PGT के अंदर दो सिलेक्शन हो चुका है, फिजिक्स का रिजल्ट आप सभी को बता दिया, तो जितने भी PGT के रिजल्ट हमारे आ रहे हैं, देखो ज्योति मैं आपको बताऊं, इकोनॉमिक्स के अंदर जो कट ऑफ जाएगा, मेरा परसेप्शन है 120 से 130 के बीच में जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा रहा DSSB के अंदर रिस्पॉन्सिट। देखो डे, अभी जो कट ऑफ, जो फीमेल की जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, देखो 160 के आसपास एक्सपेक्टेड है हमारे हिसाब से, 160 to 162 के हिसाब से कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। तो जैसा देख पा रहे हैं हमारे गुरु कॉमर्स के जो हमारे पंकज सर हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन कराया आप सभी को, जिसका रिजल्ट है कि बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिसका रिजल्ट है कि हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए। तो मेरे बच्चे, आप सभी का भी सिलेक्शन होना है, होगा। जिन बच्चों का सिलेक्शन किसी भी कारण से नहीं हुआ, आप बिल्कुल निराश मत होइएगा। जो मेल कैंडिडेट हमारे हैं जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आप सभी को पता है कि PGT में अगर मैं दो सिलेक्शन भी लेता हूँ, तीन सिलेक्शन भी लेता हूँ, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है मेरे बच्चे। PGT में सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है। तो आप सभी बेसिकली ध्यान रखिएगा कि आप सभी बच्चे अपनी मोटिवेशन को बनाए रखें। दूसरी चीज़ कि किसी भी कारण से अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और कट ऑफ से कम नहीं, प्रतिभा कैटेगरीज में है, प्रतिभा धनवर जी कैटेगरीज में है, इसलिए इनका सिलेक्शन हो गया। तो कैटेगरी वाले का सिलेक्शन बस सिर्फ 10 मार्क्स 20 मार्क्स का फ़र्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, ओनली द डिफरेंस ऑफ 2 मार्क्स। देखिए अगर मैं सिलेक्शन की बात करूँ, देखिए OBC के अंदर जो सिलेक्शन है 140 है, 140.1 है, और देखो 48 है। अगर मैं जनरल की बात करूं, जनरल का 148 है और EWS का 140 है, डिफरेंस कितने का है, सिर्फ 8 मार्क्स का डिफरेंस है। ये देखिए 141.70 है। तो सिलेक्शन इस तरीके से कंफर्म माना जाता है। और आप सभी बच्चे जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी भी कारण से नहीं हुआ, तो आप सभी देखो, सिर्फ कई बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनका 2 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, 3 मार्क्स से उनका सिलेक्शन रुक गया, तो बच्चे बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो। सर सबसे सुनने में आ रहा है कि उनके मार्क्स आंसर के एक्सपेक्टेड से अराउंड 30 कम आ रहे हैं। चलिए पंकज सर से बात हो जाएगी मेरे बच्चे जब क्लास के लिए। देखिए बेटा, ऐसा कुछ नहीं है नताशा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब इन सब चीज़ों के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं देता, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं कोई दिमाग नहीं लगाता। तो
तो मेरे बच्चे अब DSSB ने क्या किया नहीं किया उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। हमारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ बस, और हमारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया चाहे कुछ भी हुआ, तो हमारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ और हमारे बच्चों ने मेहनत भी बहुत किया है। अभी तो बेटा मेल का रिजल्ट है और फीमेल का रिजल्ट आप देखिएगा, फीमेल का रिजल्ट भी हमारा बहुत ही अच्छा होगा जो मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी तो कुछ भी हो सकता है। जिन बच्चों ने देखो डेट, दोबारा से मैं आपको बार बार यही चीज़ बोलूँगा कि हर एग्ज़ाम ये वन टाइम नहीं हुआ है, एग्ज़ाम दोबारा होगा, वैकेंसी दोबारा भी आएगा। अभी KVS आने वाला है, NVS आने वाला है। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ चाहे रीजन कुछ भी हो, आप सभी बच्चे मेहनत करिए और मेहनत करके आप सिलेक्शन को कंफर्म करिए। उसके लिए हमने क्या किया, अभी बिल्कुल PGT कॉमर्स का ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में किसी भी बच्चे का किसी भी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी भी कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरे बच्चे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में हमने ऑफलाइन की क्लास, जो हमारा ऑफलाइन क्लास है ये हम 13 से स्टार्ट करें, 13/9/2021 को, और जो ऑनलाइन की क्लास है, ऑनलाइन की क्लास है जो 6/9/2021 को हमने लॉन्च कर दिया। तो आप सभी बच्चे मोटिवेशन बनाए रखिए, जिन बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ आप बिल्कुल डिस्करेज मत होइएगा और मोटिवेशन बना के अपनी स्टडी को दोबारा से शुरू कर दें। रिजल्ट हमेशा आएगा, वैकेंसी भी हमेशा आएगा, सब आता रहेगा। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और ख़ासकर जुनेद और कौन ना, क्या नाम है दूसरे वाले का, और दूसरा एक बच्चे हमारे जो जुनैद जी हैं, जुनैद अहमद खान जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अमित कुमार गुप्ता जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको सिलेक्शन देने के लिए, मेहनत करने के लिए। 121 बने हैं जी। हरीश भाटिया जी, आप किस में आते हैं, कैटेगरीज में आते हैं, जनरल में आते हैं? तो देखिएगा बेटे, कैटेगरीज का और जनरल में दोनों में मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर आप देखें तो मार्क्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मेरे बच्चे सिलेक्शन सबसे बड़ी बात होती है जनरल में। चलिए कोई बात नहीं, तो अभी दूसरी वैकेंसी आ रही है, अभी आपका UP का भी रिजल्ट आना है, GIC का भी रिजल्ट आना है। तो सभी बच्चे अपनी मोटिवेशन बनाए रखें, मेरे बच्चे मेहनत करें, सिलेक्शन ज़रूर होगा। आपने देखा कल मैंने अनाउंसमेंट किया था, फिजिक्स जैसे टफ सब्जेक्ट में भी हमने सिलेक्शन लिया, कॉमर्स में हमने सिलेक्शन लिया, नया अभी रिजल्ट आपके सामने इकोनॉमिक्स का आने वाला है, सभी रिजल्ट्स आने वाले हैं और यूरेका से सिलेक्शन ज़रूर होगा, ये मेरा मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी देखते हैं क्या होता है, आपके सामने आएगा रिजल्ट। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं फिर हम नए, एक नए इनर्जेटिक तरीके से नए बैच में, और नए क्लास की शुरुआत करते हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उन बच्चों का भी सिलेक्शन हमें कराना है एट एनी हाउ। तो मेरे बच्चे आप सभी, बेटा UPT PGT इकोनॉमिक्स का भी रिजल्ट आ जाएगा, बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा, उसकी टेंशन ना आप बिल्कुल ना लें। सभी रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं, सभी रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं मेरे बच्चे, तो उसका भी रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। चलो बेटा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट।
फिर नए रिजल्ट के साथ आप सभी से मिलते हैं। थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।